मेरठ में जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूर्व डीजीपी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुस्त दुरुस्त है और कितनी मजबूत आजीवन कारावास की सजा मुख्तार अंसारी हो चुकी है, 6 मामलों में सजा हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है और 2024 में लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू रहेगा बीजेपी? ऐसा है, सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाऊँ। लॉ एंड ऑर्डर तो मेन इशू होता है, डेवलपमेंट तभी होता है, विकास तभी होता है जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है, तभी व्यापारी आता है, निवेश करता है। और उसका प्रमाण है 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट योगी सरकार में आना। तो आज ये देश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश दंगा मुक्त है। और बड़े माफियाओं पर जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक कार्रवाई की, सबसे पहले इनकी जो पहला योगी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपराध से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करवाया और तमाम उस पर बुलडोजर चलाया, ये योगी ने किया, किसी ने दम नहीं दिखाया। इसके अलावा हमारी नीति रही कि ये जो आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अभी 5वें केस में उसको आजन कारावास की सजा हुई है। उसके भाई अफजाल अंसारी 85 में विधायक बना था पहली बार, उसको 4 साल की सजा हुई। और असल माइंड तो अफजाल अंसारी रहा है और वो कवच जो माननीय बने का MP MLA बने हुए अपराधी, तो वो जो कवच था कि जब सजा हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, आज मुख्तार अंसारी सजा हो चुकी, इसके भाई को सजा हो। ये वीडियो मेरठ का, जहां शोधों ने लड़की को छेड़छाड़ पर इतना ज़्यादा परेशान किया कि उसके घर पर जाके हमला कर दिया और उसके घर के बाहर की गाड़ियों को तोड़ फोड़ की और वहीं उसको मैं जॉब करती हूँ, क्या नाम, मैं कल अपनी स्कूटी लेके बाहर गई थी तो उसने मुझे देखा होगा, तो थोड़ी देर बाद मेरा भैया स्कूटी ले गया, तो मेरे भैया को उसने ना 4-5 जनों के साथ घेरा, उसके साथ बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। तो वो घर पर आकर उसने बताया, तो घर आके बहुत बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी उसने मेरे साथ, तो घर पर गोली वोली चला के गए हैं बहुत, बाइक और स्कूटी सब तोड़ दी, फोन भी तोड़ गया। वो बहुत सारे जने थे, जिसने गोली चलाई वो उसका भाई है, तोड़फोड़ जो करी है वो दोनों सगे भैया है। क्या भी बात था उसका, आपसे पहले भी कोई झगड़ा रहता था? नहीं कुछ भी नहीं, बस यही है कि क्या नाम है, कहीं आना जाना ना, मतलब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, पीछा करता था मेरा। हाँ, जहाँ 3-4 महीने हो गए हैं कि हमने उसके घर पे भी शिकायत करी है तो वो रुक जाता था शिकायत करने से, अब वो बहुत ज्यादा बदतमीज करने लगा था। मैंने उसके अपनी जॉब भी छोड़ दी है 1 महीने से। आपके कहाँ रहता है, पड़ोस में रहता है? नहीं पड़ोस में नहीं रहता, जागर कॉलोनी रहता है वो। पुलिस में कंप्लेंट, मैं सेक्टर 11 में रहती हूँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी है, ये रात की घटना है, मैंने रात ही कंप्लेंट करी है। सेक्टर 11 की वो लगती है नौचंदी थाना, तो नौचंदी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। 4 जने थे, 4 जनों को पकड़ लिया, जिसने गोली चलाई और तोड़फोड़ बदतमीजी करी है उन्हें नहीं पकड़ा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो उन्हें छोड़ दिया है। अब जाके क्या, नहीं घर में गोली लगी है, कमरे में निशान है, सब चीज गोली मतलब लगी नहीं है, घर में लगी है। हाँ, बच गए हैं। One ball, one ball, one ball.